वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू अ ग्लो अप रूटीन फॉर माई बर्थडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सो गाइज, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिमूव मेकअप। सो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम मेकअप करा हुआ है, इसे मैं ये गार्नियर मेसले वाटर से रिमूव कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन पैड। सो सबसे पहले हम इसे एक्टिवेट करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले। एंड यहाँ पे मैं बस कॉटन पैड को अच्छे से मसाज कर रही हूँ अपने फेस पर और रिमूव कर रही हूँ मेकअप। सो गाइज, आफ्टर रिमूविंग माई मेकअप नाउ आई एम गना क्लेंज माई फेस विद दिस राइस वाटर ब्राइट क्लेंजर। दिस इज फ्रॉम द फेस शॉप एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्लेंजर। और ये मेरी सेकेंड बॉटल है और इसे यूज़ बहुत ही कम करा जाता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फोमी और क्रीमी है। इसको मैं अपने फेस पे बहुत अच्छे से मसाज कर रही हूँ ताकि जो जितना भी डर्ट रह गया है एक्स्ट्रा वो भी रिमूव हो जाए। सो गाइज, अब मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी विद ल्यूक वॉर्म वाटर एंड यू कैन सी द इंस्टेंट रिजल्ट। सो गाइज, अब मैं स्क्रब कर रही हूँ अपने फेस को विद दिस स्मार्ट पीलिंग स्क्रब। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द फेस शॉप। तो इसको मैं अच्छे से मसाज करूँगी अपने फेस पे ताकि जितना भी डेड स्किन है वो निकल जाए। And again, I'm gonna wash my face with lukewarm water and you can see my skin feels so soft. So guys, it's time for the mask. So ये mask मैं first time try कर रही हूँ। ये है Mamaearth का Upton face mask। इस range के बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा सुना था, so मैंने सोचा क्यों ना try करते हैं। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। वैसे एक बार कोई चीज़ यूज़ करने से रिजल्ट नहीं पता चलता है, सो इसको मैं दो तीन बार ट्राई करके फिर आपको इंस्टा पे बताऊंगी ये कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। इसको मैं 10 टू 15 मिनट्स के लिए रख दूंगी। जब ये सूख जाएगा फिर हम मिलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम पास कर रही हूँ जब तक ये ड्राई हो रहा है। सो गाइज, मेरा मास्क यहाँ पे ड्राई हो चुका है अच्छी तरह। अब मैं इसको वॉश करके आ रही हूँ। ये बहुत ही बेकार ट्रांजिशन करी है मैंने। और यहाँ पे मैं पैड ड्राई कर रही हूँ विद माय फेस टॉल। और अब मैं लगा रही हूँ पिक्सी का ग्लो टॉनिक। ये एक टोनर है एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। और इसको मैं अपने हाथों से लगाना ही प्रेफर करती हूँ। इसको मैं अपने हाथों पर लेके अच्छी तरह मिक्स करके अपने हाथों के बीच में और फिर टैप टैप करके अपने फेस पर लगाती हूँ। So guys, now it's time to apply some serum. So this is from the Dermaco. This is the 10% niacinamide serum. और ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ट्राई करना स्टार्ट करा है, सो मैं अभी नहीं बता सकती कि मैं क्या फील करती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। इसको भी मैं कुछ टाइम तक यूज़ करूँगी और फिर इंस्टा पे आपको अपडेट करूँगी। सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो गाइज, द लास्ट स्टेप इज टू अप्लाई सम मॉइस्चराइजर। यहाँ पे मैं प्लम का कोई नाइट जेल अप्लाई कर रही हूँ। मुझे पूरा नाम नहीं पता, मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया, वहाँ से देख लेना। सो मैं वो अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस पर। सो गाइज, नाउ आई एम गोना अप्लाई सम लिप स्लिपिंग मास्क। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड लिनेज और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आई हाईली रिकमेंड दिस वन।
गाइज इट्स टाइम फॉर वैक्सिंग. सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कार्मेसी की नेचुरल वैक्स स्ट्रिप्स. ये एक बॉक्स में 20 स्ट्रिप्स आती हैं और इसके साथ 4 पाउच आते हैं जिसमें पोस्ट वैक्सिंग वाइप्स होते हैं. सो यहाँ पे आप पूरा प्रोसीजर देखो कि मैं कैसे करती हूँ अपनी वैक्सिंग. So guys, this is the last step of my glow up routine. Hope you find this video entertaining. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And also don't forget to follow me on my Instagram. My Instagram handle is in the description box below. Till then, bye, tada, take care.